देवर्षि नारद जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित उत्कृष्ट पत्रकारिता सम्मान समारोह में पत्रकार अजय राज सक्सेना सम्मानित राष्ट्रीय चेतना प्रसारण न्यास शिवपुरी के द्वारा शहर के नक्षत्र गार्डन में देवर्षि नारद जयंती के उपलक्ष्य में उत्कृष्ट पत्रकारिता सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के निदेशक एवं लोकसभा टेलीविजन दिल्ली के पूर्व प्रधान संपादक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर आशीष जोशी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड के सदस्य व सामाजिक कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ पत्रकार आलोक एम इंदौरिया ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव समीर गांधी, शिवशंकर सेठ और राजेश जी गोयल मंच पर आसीन थे। सर्वप्रथम विश्व के पहले पत्रकार देवर्षि नारद जी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर आशीष जोशी ने अपने विस्तृत सारगर्भित उद्बोधन में कहा कि पत्रकारिता लोकमंगल के लिए होना चाहिए, उसका धर्म ही लोकमंगल होना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार आलोक एम इंदौरिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारा देश निरंतर विकास कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सामाजिक समरसता के बिना हमारा विकास किसी भी काम का नहीं रहेगा। सामाजिक समरसता के लिए लोगों को जागरूक करें, समाज में समरसता बहुत जरूरी है। इस मौके पर पत्रकारों को सम्मानित किया गया, जिसमें फास्ट समाचार .com के प्रधान संपादक अजय राज सक्सेना अधिमान ने, पत्रकार वीरेंद्र चौधरी दैनिक भास्कर की फोटो जर्नलिस्ट नरेंद्र शर्मा, नई दुनिया की खोजी पत्रकार देवेंद्र समाधिया और आंचलिक पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पत्रिका के संवाददाता संजीव जाट को सॉल सिफल और अयोध्या के श्री राम मंदिर का छायाचित्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का ओजस्वी व्यक्तित्व में सफल संचालन शांति स्वरूप गुप्ता और आभार प्रकट किया संतोष गर्ग ने तथा अतिथि परिचय अजय जी राजपूत ने दिया। इस कार्यक्रम में शहर के प्रबुद्ध व्यक्ति पत्रकारगण और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।